वन प्लस का 1090 तो नहीं आया है, लेकिन वन प्लस की 11R की लीक्स आ चुकी है। तो वन प्लस 11R के बारे में बात कर लेते हैं, इसके प्राइसिंग, इसके स्पेसिफिकेशन, इसके लॉन्च डेट, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशंस में डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो डिस्प्ले यहाँ पर हमें 6.7 inches की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आने वाली फ्लूइड एमोलेड देखने को मिलेगी। फ्लूइड एमोलेड का मतलब यहाँ पर हमें अडेप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा 60Hz, 90Hz और 120Hz। तो ये चीजें रहेंगी और मैक्सिमम यहाँ पर 120Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट रहेगा। इसके अलावा 360Hz का मिनिमम हमें यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो HDR 10 प्लस सर्टिफाइड होगी, तो आपको कंटेंट वगैरह कंज्यूम करने में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बात करिए, यहाँ पर मेन चेंजेस जो वो हमें परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी की जो लीक्स निकल कर आ रही है ना वो सजेस्ट कर रही है यहाँ पर वन प्लस जो है वो इस बार मीडियाटेक का प्रोसेसर नहीं बल्कि यहाँ पर क्वालकॉम का प्रोसेसर यहाँ पर यूज कर सकती है। यानी कि हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 SoC जो कि अभी जस्ट रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है कुछ ही मंथ्स पहले, तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है वन प्लस 11R में। ये चीज काफी अच्छी लगी। इसके अलावा LPDDR5 RAM टाइप रहेगा, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप रहेगी, और यही नहीं यहाँ पर हमें एक 16GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम रैम इस बार हमें 16GB रैम देखने को मिल सकती है। ये भी एक काफी अच्छी चीज लगी, लेकिन इतने बड़े रैम की मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, लेकिन प्रोसेसर जो है काफी पावरफुल है। प्रोसेसर पावरफुल होने के कारण काफी सारी चीजें जो है आपका प्रोसेसर ही हैंडल कर लेगा, तो मल्टीटास्किंग के लिए इनका 16GB रैम जो है मुझे लगा काफी ज्यादा लग रहा है। इसके अलावा बात करी जाए यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमें 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, 100W की यहाँ पर ये फास्ट चार्जिंग के साथ में आ सकता है। लास्ट टाइम ये 80W की फास्ट चार्जिंग के साथ में आया था, यानी कि जो वन प्लस 10R था, लेकिन जो 11R है इसमें हमें 100W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है। अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि इसमें IP रेटिंग होगी या नहीं, तो इस चीज की आप उम्मीद मत लगाइएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बात करिए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें अगेन 50MP का ही मेन कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 16MP का यहाँ पर हमें अल्ट्रा वाइड, 2MP का यहाँ पर हमें मैक्रो सेंसर देखने को मिल सकता है। तो ये है ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करिए, यहाँ पर इसकी जो अपग्रेड्स हैं वो तो इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो मेरे हिसाब से 42,000 rupees के अंदर अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्होंने प्रोसेसर ही बदला है, प्रोसेसर के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं डाला है। इसके अलावा बात करिए यहाँ पर इसके लॉन्च के बारे में, जो वन प्लस 11 प्रो है उसका तो लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि हमें दिसंबर में देखने को मिल जाएगा चाइना में, तो इसका जो लॉन्च है यानी कि OnePlus 11R का जो लॉन्च है वो हमें या तो जनवरी या फिर फरवरी तक देखने को मिल सकता है, लेकिन पहले ये मिलेगा चाइना में ही, उसके बाद हमें ये इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया में आते आते इसको मार्च या फिर अप्रैल तक का तो टाइम लग ही जाएगा, अभी काफी सारा टाइम पड़ा है, अभी तो इसके रेंडर्स भी लीक नहीं हुए हैं, लेकिन इसके जो फाइनल स्पेसिफिकेशन है वो तो हमारे पास में आ चुके हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पर OnePlus 1090 ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं, इसका भी एक रीजन बता देता हूँ आप लोगों को। अभी OnePlus की फिलोसफी क्या चल रही है ना, कि हर साल ये एक टी वेरिएंट निकालेंगे, जैसे कि लास्ट ईयर इन्होंने OnePlus 9RT निकाला था, इस साल इन्होंने OnePlus 10T निकाला है, नेक्स्ट ईयर अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा वेरिएंट का टी वेरिएंट लेकर आते हैं। इसके अलावा बात करिए OnePlus 10RT, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया में देखने को मिलेगा, इवन तो ये चाइना में भी मुझे नहीं लगता कि लॉन्च होगा। तो टी वेरिएंट आप भूल जाइए, 10RT नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो इनका नोट 3 भी नहीं आया, तो अगर नोट 3 नहीं आया तो 10RT को ये कहां पर प्लेस करेंगे। तो ये चीज है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि यहां पर OnePlus 10RT आएगा डायरेक्टली, अभी ये OnePlus की 11 सीरीज को लेकर आएंगे, जो कि हमें जनवरी से स्टार्ट होती दिख जाएगी।